निजात और लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के काम को लेकर पीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठकों में शामिल होंगे, जिसके लिए वो इस वक्त खुद जोशीमठ में ही मौजूद है। सीएम धामी सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों, वैज्ञानिकों के अलावा अंतरिम और पुनर्वास पैकेज के लिए बनाई गई समिति के साथ भी बैठक करेंगे। जोशीमठ इस समय सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ लोगों के लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है। हालांकि वहां के हालात पर राज्य ही नहीं, केंद्र सरकार भी अपनी नजर गड़ाए बैठी है और लोगों की हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हैं और उन्होंने सबसे पहले उन घरों का जायजा लिया जो इस वक्त दरारों की मार झेल रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी न सिर्फ वहां मौजूद अधिकारियों बल्कि लोगों से भी वहां के हालात की जानकारी उन्होंने ली और लोगों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके हितों का पूरा ख्याल रख रही है। इस दौरान उन्होंने सिर्फ प्रभावित इलाकों का जायजा ही नहीं लिया बल्कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों से भी मुलाकात की। यहाँ सीएम धामी को अपने बीच पाकर अब तक नाराज चल रहे बहुत से लोग भावुक हो गए और उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। ऐसे हम नहीं रह सकते। जोशीमठ में 723 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं और 131 परिवार इस वक्त राहत शिविर में रह रहे हैं, जिनसे पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में सरकार की तरफ से बनाए गए एक एक राहत शिविर का निरीक्षण किया और लोगों को विश्वास दिलाया कि सरकार न सिर्फ उनकी मदद कर रही है बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और उन्होंने राहत शिविरों में खाने से लेकर लोगों के रहने की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया और पूरी रात जोशीमठ में ही रुके। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वहां किसी घर को गिराने का कोई आदेश नहीं दिया गया बल्कि दो होटल को गिराने पर सरकार ने विचार किया, जिसे प्रशासन की सहमति के साथ ही गिराया जाएगा। वो भी सबकी जो सहमति यहाँ का प्रशासन काम करेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसा माहौल ना बनाए जिससे लगे कि पूरा उत्तराखंड ही डूब रहा है, क्योंकि इससे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों पर गलत असर होगा। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब जोशीमठ पहुंचे तो न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार की तरफ से राहत बचाव कार्यों और लोगों की मदद के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सर, आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और राहत सामग्री बांट रहे हैं। नहीं देखिए, मैं यहाँ पर सभी लोगों से मिल रहा हूँ और हमारी चिंता है कि ऐसे कठिन समय में जो लोग कैंपों में रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और चूंकि अभी फौरी तौर पर हमने एक अंतरिम सहायता के रूप में धनराशि देने का निर्णय लिया है, लेकिन लंबे समय के लिए चूँकि सभी का पुनर्वास हो, सभी के लिए ठीक व्यवस्था हो और आपदा में जो जो मानक हैं, जो जो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, उन सभी विकल्पों पर विचार करके जल्दी हम इसको। सर, लेकिन लोग इस खतरे को समझ नहीं रहे हैं, वो जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाल के, अपने अपनों की जान खतरे में डाल के उसी जगहों पर रहने को तैयार है जहां पर वो पहले से ही रहते आ रहे हैं। जो सरकार तमाम जो होटल्स में उन्हें प्रोवाइड करा रही है जगह या फिर राहत केंद्र प्रोवाइड करा रही है, वहां जाने को तैयार नहीं है। सर, चुनौती कितनी बड़ी उन्हें समझा रहे हैं? अभी हम सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं और सभी लोग समझेंगे, क्योंकि जब तक ये खतरा है और चूंकि वैसे हमारा आपदाग्रस्त पूरा ही उत्तराखंड है जी। इस बार जोशीमठ में आपदा आई है, पहले केदारनाथ में भी आई थी, वर्णावत उत्तरकाशी में भी आई थी, अन्य स्थानों पर भी आपदा आती है और हर साल हम लोगों को आपदा से जूझना पड़ता है। इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं ये स्थिति भी सामान्य होगी, लेकिन जब तक अभी कहीं पर इस प्रकार की बात है तो सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि जहाँ प्रशासन अभी तात्कालिक रूप से व्यवस्था कर रहा है वहाँ सभी को पहुँचना चाहिए। बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के हालात पर चर्चा की है। उन्होंने फोन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और वहां के हालात के अलावा राहत बचाव के कामों की जानकारी भी ली है। जोशीमठ के हालात पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बैठक की गई, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर वहां के हालात पर जानकारी ली है।